अति भयंकर भाव एवं भीषण रूप से उपकूल मुहां मारी आसुची बात्या जोहात जहाँ को नहीं भयभीत तो उपकूल अंचल लोके विशेष भाव में पूरी जिलार कृष्ण प्रसाद लोकों पर घारी बड़ चिंता कारण कहीं चिलिका और समुद्र अति निकटवर्ती अंचल होउची कृष्ण प्रसाद अनेक गाँव रही चिलिका कूर अर्थात समुद्र कूर कितु बात्या जी पाखे आसुच्छे तार प्रकोप से देखा मिलूँ आम अरखकुदा पंचायत अर्थात सानपाटना ठार चिलिका मध्यम आ समुद्र अति निकट भितर पहुँचीचु एवं समुद्र जो कुदाटी रही से जगार पखापाखि पांच रु सतोटी परिवार पिला छुआ को धरी बसवास करते बड़ कथा हूँ एम वर्तमान सुधा सूचना पाईना कि प्रशासनिक अधिकारी मैंने आसिक सूचना देना कि बात्या आसुच्छे ए स्थान उच्च स्थान को चलतु बोली आम आलोचना करवा कि प्रथम चित्र देखा पिला छुआ को धरी ये ये ही बचुच्च पखापाखि पांचटी पर लोक मैंने आपण को चित्र देखा पर गोटे गोटे पर बादा उपर घर बखरा टीए लखा कर अस्थायी घर कर तंबू कूड़िया भितर एम जीवन काटुच्च तेब ये गोटे बड़ कथा होते बात्या जवाद आस तेब ए लोक मैंने कहीं बर्तमान सूचना पाइले ना ता बड़ प्रश्न ही ठिया होती आप देखिपे मु कैमेरा पर्सन को अनुरोध करी संपूर्ण चित्र देखा चारिपाख चित्र जिते बे गोटे पटे चिलिका अपर पक्ष समुद्र मझे जो टापुटी रही टापू उपर ही ए लोक मैंने बसवास कर छुआ पिला धरी ए जगार रही आम कहीपर यह हूँ एक्सक्लूसिव चित्र एथपाई बात्या आसुच्छे अति निकटतर है बात्या किंतु लोकों पाखे सूचना मिल ना लोके अभोग कर घर भितर चित्र देखी परवर्त समय पुनर्व पुणी आलोचना करी जो घर भितर कि बर्तमान भी एवं भी रोसे हो रही जिते बात्या आसुच्छे बात्या लोक मान भितर भय थोड़ा बेले एवं भी आप घर देखिपे चूली चाल रही सब रोसे बास हो अपेक्षा कर रही कारण जेहेतु मेघ आसुची केमी जीवन काटे एम बड़ चिंता बढ़ी एम जगार एपाय रही समुद्र चिलिकार मारी एम जीविका निर्वाह कर आलोचना करने आम सहित स्थानीय लोक मैंने अच्छा भाई जिते आप जगार अच्छा आपण बास्तव में गाँव टा कौ जगह सनपटना हाँ ये जगार रही कौन आम बाण बाण कर रही हाँ एबे बात्या आसुच्छे बात्या जवाद आसुच्छे खबर पाई ना पाई नाती खबर हम पाई ना हाँ एबे केमिति कोन बात्या आसुच्छे बात्या तो आपण देखि परत आपण जेतु मत्स्यजीवी परिवार माने आपण ए पागुर जानि परथे बात्या आउची बोली आपण को घर संपर्कीय लोक माने फोन करी कहउतिबे ना कहि नाती घर लोक फोन करी कहिसेंती एले आमे जिबु आज संध्या सुधा पळे तबे वर्तमान सुधा जाई नाती कोन पाई वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी माने आपण पाखे के पहुंच नाती कहि नाती प्रशासन अधिकारी के पहुंच नाती आपण केमिति केते परिवार एठी चलुचंती हमें पांच सतटा परिवार एठ अछ हां भाई आपण केते परिवार अछंती म जानिबा को चाहिबे एबो केमिति एठारे कोन पई रहंती एठै जो रहिचंती खिया पिया केमिति करंती केमिति चलंती जगा रे ए काटो जाळो एठी जेठी गोटे ज्ञानी गिरी जो सुविधा असुविधा बेते चली कि रहिचो आउ बाण दण करी कि तई मछिस गळे रहिचो समुद्र सेपड रहिचो एपड नई रहिचो आ बाण दण करी चार पांचटा परिवार एठा चलुचो हमें एबे बात्या आछि भाई केते प्रस्तुत अछ तमे माने सब आम एना प्रस्तुत अच चार पांचटा बसा ये अच्छु प्रस्तुत कि जी कि नज पवन पवन तो धीरे धीरे हम एवं बर्षा आरंभ हो गला केमी देखुं बर्तमान ये जो बात्या जवाद आसे भय मन सेम तो भय मन खबर ठीक रे पाई भय मन समस्त भय रही था छाली जाता था कि असुविधा सुविधा रही कि गेट रही था आज सेमित सब पड़ी अच्छा थंडा गोल दाड़े निश्चित भाव में आउ थे चित्र देखा आउ किसी लोक अच्छा सहित मैं आलोचना करवा संपूर्ण चित्र घर चित्र देखिए ये बाली बस्ता पर गृहपात पशुपक्षी मान अच्छा बत कुकुड़ा सह ए जगार अनेक गृहपात पशु मान धरी ए जगार ही बसवास कर रही अंचल लोक मैंने पखापाखि पांच रु सतोटी पर व्यक्ति मैंने जगार रही आपण को चित्र देखा समुद्र आप देखिपे चित्र पूरा आकाश मेघाच्छिन्न रही लोक मान मन में भय सृष्टि कारण बात्या केत आसब के जगह लैंडफल करतमान स्पष्ट हो ना कि गोटे गोटे चित्र क्योंकि क्यों गोटे गोटे बात्यार सामना को आसुच्छी गोटे गोटे स्पष्ट चित्र सामना को आसुच्छी पूरी जिले में जेहतु प्रभाव पड़े ता गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि ता गोटे बड़ भय सृष्टि कारण बात्या जिते अति भयंकर रूप से आखापाखि नबे रु शहे किलोमीटर बेगर पवन बढ़ कह आम खबर शुणापर आम चिलिका पार हो समुद्र निकट में आम पहुंचीचु लोक मठाकर लोक सचेतन करवाक चेस्टा कर लोक तुरंत कूह को फेरी जातु अर्थात निज बासभवन को फेरी जातु भाई एवं बात्या आसुच्छे भय के प्रस्तुत अच्छ सब हाँ भाई भय अच्छी प्रतिवर्ष अच्छा
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି କ'ଣ, ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ, ଏବେ 2 ଦିନ ଯୋଉ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହବ, ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି କେମିତି ଚଳିବେ? କେମିତି କଷ୍ଟମର ଟିକେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ଘରର ଚିତ୍ର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଧରିକି ମଧ୍ୟ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି କେତେ ଭୟଭୀତ ଆପଣ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ। ଏହି ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଚିଲିକା ମଝିରେ ରହିଥିବା ପାଖାପାଖି 5ଟି ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ। ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ 5ଟି ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ, କାରଣ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଚିଲିକାରୁ ମାଛ ମାରିବା ସହ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରି ଏମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଇଲୁ, ଆପଣମାନେ ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ସାନପାଟଣା ଅତି ନିକଟରେ ରହିଥିବା ସମୁଦ୍ର ଚିଲିକା ଭିତରର ଚିତ୍ର। ଏବଂ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କୁହାଯାଇପାରିବ ପ୍ରଶାସନ ବୋଧ ହୁଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ସମୁଦ୍ର ଅତି ନିକଟ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଘର କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କିଭଳି ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।